आज के इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप ज़मीन की रसीद काटते हैं ऑनलाइन तो आपको एक इशू आएगा। ये इशू कि यानी कि इसका जो रसीद है वो 2017 में ही कटा था और 3 साल हो गए हैं। अब जो मैं ऑनलाइन रसीद काट रहा हूँ तो इसकी तो खाता नंबर से इसकी पूरी डिटेल तो आ जाती है, लेकिन कोई बकाया राशि इनका नहीं शो करता है। 3 साल से इनका रसीद नहीं कटा है ज़मीन की। जब हम रसीद काटने की कोशिश करते हैं तो यहाँ बकाया राशि कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप इसको ठीक कर पाएंगे ऑनलाइन, यानी कि इसका जो बकाया होना चाहिए वो बकाया यहाँ पे शो करना चाहिए ताकि वो पेमेंट करके अपना रसीद अप टू डेट करा सकते और हर साल रसीद कटा सके। ये जो 2017 में ऑफलाइन रसीद कटवाया था लेकिन उसके बाद से अभी तक रसीद नहीं कटवाया, जब भी मैं ऑनलाइन इसका रसीद काटने की कोशिश करता हूँ तो इस पर कोई बकाया राशि नहीं शो करता, जो कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कोई बकाया राशि इनका शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो वित्तीय वर्ष 17, 18, 19, 20, 21 सभी में 0-0 है, यानी कि कोई बकाया इन पर शो ही नहीं कर रहा, बल्कि ये 3 साल से रसीद नहीं कटाया तो इसका क्यों नहीं शो कर रहा, वो हम आपको इस वीडियो में इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको आ जाना है biharbhumi.bihar.gov.in की वेबसाइट पर, जहाँ से आप रसीद काटते हैं, और यहाँ पर आपको एक मिलेगा परिमार्जन। परिमार्जन पर क्लिक करेंगे न्यूट्यूब ओपन हो जाएगी। जैसे परिमार्जन पर क्लिक करेंगे क्या करना चाहते हैं, ये परिमार्जन के द्वारा आप बहुत चीज़ कर सकते हैं, जैसे खाता खसरा सुधार, नाम सुधार, जो चीज़ करना चाहते हैं उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, परिमार्जन करने के लिए यहाँ पे पोस्ट योर गेनीवे पे क्लिक करेंगे, पोस्ट योर ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आप नाम देंगे आवेदन का, यानी कि अप्लाई कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है उसका नाम देंगे, ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर देंगे। ये सारी डिटेल देने के बाद, मोबाइल नंबर देने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर जो मोबाइल नंबर देंगे वो मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। ओटीपी देने के बाद ओटीपी वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको फुल एड्रेस दे देना, आप अंग्रेजी या हिंदी किसी में लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो यहाँ दिया गया है कि अंग्रेजी में लिखकर स्पेस बटन दबाए वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अंग्रेजी हिंदी किसी में भी आप लिख सकते हैं, नाम एड्रेस वगैरह। एड्रेस देंगे, डिस्ट्रिक्ट देंगे, एरिया का पिन कोड देंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी लोकेशन आएंगे, ज़मीन जहाँ पर उसकी वो कौन से ज़िला है, कौन से सर्कल है, कौन सा मौजा वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप कंप्लेन करना चाहते हैं। तो मेरा जो प्रॉब्लम है कि मतलब कि ज़मीन का रसीद नहीं कटा हुआ लेकिन जो उसका बकाया वो 0 शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले ऑप्शन यानी ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदी में सुधार, ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं तो तीसरा नंबर जो लगान की राशि, ये लगान की राशि जो तीसरा नंबर आप देख सकते हैं, लगान की राशि एवं त्रिश संबंधित पृष्ठी में सुधार, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे यानी कि लगान की राशि जो है वो हमें शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको सुधार करेंगे। उसके बाद जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 6 डॉक्यूमेंट लगने वाला है। पहला डॉक्यूमेंट जो एक आवेदन पत्र लगने वाला, वो भी आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, ऑनलाइन निकाल के उसको कलम से फिलअप करके स्कैन करेंगे। दूसरा, दाखिल खारिज जो किए होंगे उसका रसीद होगा, वो रसीद आदेश जो होगा, आदेश प्रति दाखिल खारिज का वो, और शुद्धि पत्र आपको देना होगा, साथ साथ रसीद आपने पिछली बार कटवाया था ऑफलाइन वो रसीद के जीरोक्स, ठीक है, खतियान है तो उसकी जीरोक्स। उसके बाद घोषणा पर जो कि फॉर्म पे रहेगा वही, यानी कि ये 6 डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करना हो पीडीएफ में, जिसकी साइज 1 MB से कम होनी चाहिए। पहला जो वो फॉर्म है, दूसरा दाखिल खारिज की जो आदेश प्रति वो, शुद्धि पत्र, उसके बाद ज़मीन की रसीद, खतियान की जीरोक्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए खतियान का 100 अभिप्रमित, उसके बाद घोषणा पत्र, ये सारी डिटेल के, ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक पीडीएफ बनाएंगे जिसकी साइज 1 MB से कम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट है चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर नहीं तो आप ज़मीन की रसीद और दाखिल खारिज की आदेश जो हुआ पारित आदेश, वो 2 ही अपलोड कर सकते, लेकिन यहाँ पे 6 मांग रहा, 6 कर दीजिएगा तो बेहतर रहेगा ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, नहीं तो आप ज़मीन की रसीद दाखिल खारिज को जो आदेश वो अपलोड कर देंगे। ये सारा चीज़ करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो ये देख सकते हैं सबमिट हो गया। यहाँ पे एक आपको आईडी दे के देगा, जिस आईडी से आप किसी भी स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस सबमिटेड हो गया है। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे,
प्रिंट पे क्लिक करने में कुछ इस तरह जाएगा, यहाँ पे फिर से प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ये प्रिंट रसीद निकाल के आप कस्टमर को दे सकते हैं। अब वहाँ से ब्लॉक से कर्मचारी इसको देखेगा, अगर सही है तो फिर से वो करेक्शन करके आपको नेट पर इंटरनेट पे जो सही इसका जो लगान बकाया होगा वो आपको शो करने लगेगा। उसके बाद आप ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। स्टेटस कैसे चेक करेंगे, उसके लिए ट्रैक योर ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आईडी मिला वो आईडी पे क्लिक करेंगे, ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अंतिम बताऊंगा, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ एप्लीकेशन फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख जैसे कि सबसे अंतिम वाला ऑप्शन था 100 शपथ पत्र, तो शपथ पत्र यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके उसको फिलअप करेंगे, फिलअप करके कस्टमर का सिग्नेचर कराएंगे, ये उनका शपथ पत्र हो जाएगा और उसको स्कैन करके वो उस पीडीएफ में लगा लेंगे। शपथ पत्र इस तरह आप लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर ऑप्शन डिजिटाइज जमाबंदी में भू लगान संबंधित त्रुटियों में सुधार, यानी कि भू लगान यानी कि रसीद नहीं कट रहा है तो वो भू लगान हो गया, तो उसमें जो त्रुटि है उसमें जो गलती उसको सुधार करने के लिए आवेदन पत्र, ये वाले यानी कि हर प्रॉब्लम के यानी कि जो भी दिक्कत है जिसमें त्रुटि है उसके अलग अलग फॉर्म है। तो मेरा जो आज के वीडियो टॉपिक के अनुसार जो फॉर्म होता है वो फॉर्म नंबर 3 होता है और 7 नंबर जो कि शपथ पत्र होता है, ये फॉर्म नंबर 3 और 7 नंबर शपथ पत्र को हम प्रिंट करके हाथ से फिलअप करके स्कैन करेंगे और डॉक्यूमेंट के साथ इस फॉर्म को भी हम लगा के पीडीएफ बना लेंगे। इसमें अपने अंचल अधिकारी का प्रखंड का नाम मौजा थाना वगैरह ये पढ़कर आसानी से भर सकते हैं, बहुत आसान है। तो इस तरह आप डॉक्यूमेंट भी एक कंप्लीट करके आप इस तरह परिमार्जन कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक से ये आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, अगर सही लगता है तो वो रसीद जो है वो जो भी लगान बकाया ड्यूज होगा वो नेट पर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं।